पेट जो भरता लोगों के, मिट्टी से फसल उगाता है, इस किसान की खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। जी हाँ, ऐसे ही मेहनतकश किसानों को समर्पित है हमारी आधुनिक चौपाल, जिसमें हम आपकी कृषि संबंधित समस्याओं की शंकाओं का समाधान करते हैं। और हमारी इस मुहिम में हमारे साथी, हमारे सहभागी हैं समाधान टेक्नो खेती। इसी कार्यक्रम में हम आपको कृषि संबंधित नई नई बातों से, नई नई खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2019 में, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ताकत और मेहनत की तस्वीर पेश करते ये ट्रैक्टर भारत के किसान के हमदम हमसाया बनकर रहते हैं। तरक्की करता किसान और लगातार आगे बढ़ती ट्रैक्टर इंडस्ट्री 21वीं सदी के प्रगतिशील भारत की कहानी बयां कर रहे हैं। भारत की ट्रैक्टर इंडस्ट्री अब 7 लाख पर एनम के आंकड़े को पार कर चुकी है, और ये गवाह है कि अब हमारा किसान सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में भी हाथ आजमा रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज बाजार में मौजूद ट्रैक्टर्स न सिर्फ अत्याधुनिक हैं, बल्कि उनमें लगातार वक्त के हिसाब से बदलाव भी हो रहे हैं। ऊंचाइयां छूता ये आंकड़ा ट्रैक्टर कंपनीज और किसानों के बीच मजबूत होते रिश्ते को बयां कर रहा है। गांव देहात, खेत खलियान और हमारे किसान के हौसलों से पनपती ये इंडस्ट्री काफी अव्यवस्थित थी, लेकिन ट्रैक्टर से जुड़ी सभी जानकारियों को संरचित और सरल रूप में पहली बार पेश किया tractorjunction.com ने। ये सार्थक प्रयास किया है रजत गुप्ता ने। अपने इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए रजत गुप्ता ने ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड शो की न सिर्फ परिकल्पना की, बल्कि 3 मई को दिल्ली के ताज विवांता होटल में अपनी कल्पना को मूर्त रूप भी प्रदान किया। इसके तहत एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 21 श्रेणियों में ट्रैक्टर्स और उनके अटैचमेंट्स को जूरी मेंबर ने एसएमएस से आए आम जनता की वोटिंग के आधार पर अवार्ड्स दिए। देश भर के विभिन्न ट्रैक्टर और अटैचमेंट कंपनियों से आए लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बने। तकनीक और नवाचार को सम्मान मिला। कई दिग्गज एक्सपर्ट्स ने नामी ट्रैक्टर कंपनियों के कृषि उपकरणों को कार्यशैली की कसौटी पर परखा। न्यू होलैंड, सोनालिका, बीएसटी, फोर्स, सामे जैसी कंपनियों ने अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड जीते। एस्कॉर्ट के पावर ट्रैक यूरो 50 को ट्रैक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। देश की इस अनोखी पहल में जो लोग शिरकत करने से चूक गए, वो जरूर इसे मिस करेंगे, लेकिन उनके पास मौका है आईटोटी के आगामी कार्यक्रम में हिस्सा लेने का। उम्मीद है कि आईटोटी की यह मुहिम किसानों को अपने काम के हिसाब से ट्रैक्टर चुनने में मददगार साबित होगी। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ये पहला समय है कि ऐसा एक कार्यक्रम इन्होंने संचालन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे ट्रैक्टर इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। ये ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड का, जो कि रजत गुप्ता ट्रैक्टर जंक्शन की टीम ने प्लान किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। सिंसियरली थैंक्स टू द फार्मर्स कम्युनिटी हु हैज रियली वोटेड फॉर अवर प्रोडक्ट, अवर ब्रांड एंड शोन ट्रस्ट इन अस। हियर टुनाइट इन विवांता ताज होटल, ओके, फॉर द आईटोटी अवार्ड्स, एंड एज पार्ट ऑफ दिस इवेंट वी आर रियली हैप्पी of this organization and all the event, because it is very important for the Indian agriculture. Idea हमें सर आया, मेरी टीम से पीयूष है, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्यों ना हम ऑनलाइन वोटिंग चालू करें, जानने के लिए कि कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है। तो हमने सोचा क्यों ना इंडियन कार ऑफ द ईयर या इंडियन बाइक ऑफ द ईयर, जहाँ अवार्ड पिछले 10 से 15 सालों से हो रहे हैं इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री में, तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी इस तरह का अवार्ड शो स्टार्ट किया जाए। Thank you.
जी हाँ, यदि उत्पादकता बढ़ानी है और गुणवत्ता बरकरार रखनी है तो हमें तकनीकी में इजाफा करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा कुछ ऐसा जिससे कि हमारे किसानों को मदद मिले, हमारे किसान भाई कम मेहनत में अधिक उत्पादकता पैदा कर सकें। आज बात हम भी कुछ तकनीक की ही कर रहे हैं। जी हाँ, तकनीक है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती बहुत इस समय की सबसे बड़ी मांग है। संरक्षित खेती अर्थात आप समझ रहे होंगे, पॉली हाउस की हम बात करने जा रहे हैं आज, कि किस प्रकार से पॉली हाउस के द्वारा हमारे किसान अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, हमारे किसान अपनी गुणवत्ता को मेंटेन रख सकते हैं, गुणवत्ता को बरकरार रख सकते हैं और अपना मुनाफा भी कमा सकते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है रघुनाथ यादव जी को। रघुनाथ यादव जी RSM है, रियलिस्ट इंडिया इरिगेशन के। आज हमें बताएंगे कि किस प्रकार से पॉली हाउस से हम अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं, क्या क्या भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, किसानों के मन में, क्योंकि पॉली हाउसेस को आए हुए कई समय हो गया है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन फिर भी अभी किसान उसमें बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट को देखते हुए उसकी तरफ जाने से थोड़ा सा हिचकता है। आज हम बात करेंगे रघुनाथ जी से कि वो क्या कारण है जिसके कारण किसान अभी भी थोड़ा सा पीछे हट रहा है। सबसे पहले तो रघुनाथ आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, और हमारे टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से आपको प्यार भरा राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। अन्नदाताओं को समर्पित इस राम राम सा प्रोग्राम और टीम को पूरे को बहुत बहुत बधाई और इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने के लिए। रघुनाथ जी, पॉली हाउस हमारे किसानों के लिए कोई नया नाम नहीं है, पॉली हाउस हमारे किसानों के लिए कोई नई चीज नहीं है, वो देखकर सीखता है और सीखकर करता है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु फिर भी क्या कारण है कि लोग हमारे किसान अभी थोड़ा सा हिचक रहे हैं? बेसिकली ये तकनीकी ज्ञान पे आधारित है और इसकी थोड़ी कमी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान हमारा उसको अपनाने में चूक कर देता है और 1/10 में से 1 किसान अगर फेल हो जाता है तो उसको वो जला हुआ हाथ समझते हैं और दूसरे लोग जो उसको देख रहे हैं तो उसको अपनाने में कतराते हैं जी। तो इस तकनीकी ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तकनीकी खेती करने जा रहे हैं, पॉली हाउस की खेती करते रहे, संरक्षित खेती कर रहे हैं जैसा इसका नाम परिलक्षित होता है जी, वैसा ही ज्ञान होना ज़रूरी है। और ये संरक्षित खेती पे जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो बड़े लिमिटेड लोगों के पास है और लिमिटेड मात्रा में ही है। तो ये ज्ञान का प्रसारण करना बहुत ज़रूरी है जी। और जैसा आपने कहा, क्योंकि इस तकनीकी खेती के बारे में हमको आगे बढ़ना है तो ज्ञान का भंडारण, ज्ञान के बारे में, इसकी जो तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी जुटाना बहुत ज़रूरी होता है, तब हम लोग सही रास्ते पर चल के और सही मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब अगर स्मार्टनेस आपको दिखानी है, स्मार्ट खेती करनी है, तो किसान को स्मार्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात करें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी कंपनी का पॉली हाउसेज में, इन संरक्षित खेती में क्या रोल है, आप लोग क्या करते हैं, क्या सप्लाई करते हैं? बेसिकली हम लोग रिवलिस इंडिया से हैं और हमारी कंपनी 1966 के 10 साल में इसराइल में कहीं इसकी स्थापना की गई थी जी। और तब से हम लोग जो हमारी खेती के सिंचाई के उपकरण के साथ साथ में पॉली हाउस या संरक्षित खेती के काम आने वाले सिंचाई के उपकरण जैसे ड्रिप लाइन्स, क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए फोगर या टॉप स्प्रिंकलर, इन उत्पादों में भी हमारा बिजनेस है और बहुत बड़ा हमारा होल्ड है। और इस संरक्षित खेती के लिए जो काम आने वाले उपकरण है, खास तौर से हमारे पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं और हम लोग 1966 से इसकी बराबर भारतीय किसानों के साथ साथ में पूरे विश्व के किसानों को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और इससे जो तकनीकी पहलू है, हमारे प्रोडक्ट किस तरह से किसान को फायदा पहुंचाते हैं, उसकी पूरी जानकारी, समुचित ज्ञान पहुंचाने की हम लोग तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते हैं जी। आपने बताया कि ज्ञान की कमी है, लेकिन NHITC जो कि हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर लगातार क्लासेस लगती हैं, वहाँ लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप हमारी शिक्षा लें, प्रशिक्षण लें, उसके बावजूद भी ऐसी क्या कमी है कि आप कह रहे हैं कि ज्ञान की कमी है? सर, बहुत सही कहा सर। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित उस इंस्टीट्यूट में पूरा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है। और चूँकि ये प्रायोगिक खेती करनी पड़ती है, ज्ञान लेना और उसको फिर अपने खेत तक, अपने उस यूनिट तक उसको संचालित करना, उसको उपयोग में लेना और कामयाब होना, ये दो अलग अलग पहलू है। तो
ये खेती का ऐसा नहीं है कि ज्ञान अपने कि वहाँ किसी क्लासरूम में पढ़े और जाके हम खेत में काम करने लगे और कामयाब हो गए। सही बात कह रहे हैं, कामयाब किसान को फिर भी नहीं देखते बाकी के किसान, और कोई नाकामयाब रह जाता है तो उसे जरूर देखते हैं। रघुनाथ जी, एक बार बीच में रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, आपसे बात करना चाहते हैं शायद इसी विषय को लेकर। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। सर मैं अब्दुल रज्जाक बोल रहा था भिलवाड़ा से। जी अब्दुल जी। जी सर मैं एवं हूँ सर। जी अब्दुल जी, पहचान गए हम आपको, आपका बहुत बहुत आभार कि आप लगातार हमारा कार्यक्रम देखते हैं। जी सर, आप स्वयं एक प्रगतिशील किसान हैं। जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। सर मैं ये कह रहा था, मेरे पास चार पोलियो हाउस है और एक के अंदर नीमाटोड की प्रॉब्लम है सर। एक के अंदर नीमाटोड की प्रॉब्लम आ रही है। नीमाटोड की प्रॉब्लम आ रही, तो उसमें सर ऑर्गेनिक कोई उपाय बताइए सर। जी जी रघुनाथ जी, देखिए नेमेटोड की प्रॉब्लम के लिए अगर हम देखें तो हम जब काम करते हैं संरक्षित खेती पे, तो हमारा पहला प्रयास ये होता है कि हमारे यहाँ बीमारी आए नहीं, संरक्षण में हो रही है वो। जी तो चाहे वो नेमेटोड हो या चाहे दूसरी तरह की फंगस की बीमारी हो, चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट की हो, पहला ये प्रयास होता है कि वो आए नहीं। और वो आने का कारण क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं ये चूक कर बैठते हैं कि जैसे आपने कहा चार पोलिया उसे, उसमें तीन में नहीं है एक में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके इन्फेक्शन आ गया है और वो अंदर में चला गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इसके संचालन में चूक हुई है, और वो चूक कहाँ की है, जब हम लोग आप इसको इससे तुलना कीजिए, हम जब किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं उसका आईसीयू सेंटर होता है और उसमें जाने से पहले हमको वहाँ का जो स्टाफ है हमको ये कहता है कि भाई आप अपने जूते चप्पल निकालिए और अपने कपड़े की भी ऊपर वो अपना एप्रेन पहनाते हैं और कहते हैं कि भाई आप किसी चीज़ को छूना नहीं है, आपको जिससे मिलना है 2 मिनट मिल के बाहर चले आइए। तो ऐसे ही ये इस खेती को हम जो केयर कर रहे हैं उस वही भी उतना ही हमको प्रोटोकॉल निभाने की ज़रूरत है। जैसे हर कोई आदमी अंदर में चला जाता है तो कहीं वो ऐसे इन्फेक्टेड ज़मीन पे चल के आया है उसके जूते चप्पल के साथ में, वो निमेटोड के स्पोर्स जीवाणु उसके हाथ में लग के आ गए और उस पोलिया हाउस में आ गए, और वो पोलिया हाउस में आने के बाद में चूँकि वो पूरा क्लाइमेट कंट्रोल से उसका वातावरण, उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी आदरता सब ऐसी हो गई कि संक्रमण बढ़ता चला जाता वो है। उसको बढ़ाने में बहुत मदद कर देता है। जी हाँ, जी तो वो चीज़ आनी नहीं चाहिए। और दूसरा, जहाँ हैवी सॉइल्स होती है, जहाँ काली मिट्टी होती है, उसका संक्रमण कम होता है, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर उसको चलने फिरने के लिए जो रास्ता चाहिए, पोरोसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो कम होती है हैवी सॉइल्स में, काली मिट्टी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि काली मिट्टी का प्रयोग करें, ताकि उसका संक्रमण आएगा भी तो वो एक पॉकेट में ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जी रघुनाथ जी, एक और दर्शक हैं इस समय फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं आपसे जुड़ने के लिए। जी नमस्कार, राम राम सा। हाँ जी राम राम सा सर, राम राम सा जी। राम राम सा। हाँ सर, मैं कृष्ण जाकर बोल रहा हूँ, गांव सेवा वाया पागलवा तहसील दौत जिला सीकर से। जी कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार राम राम सा में। जी प्रश्न पूछिए। जी सर, मैं ये नया पोली हाउस लगवाना चाहता हूँ, तो सर मैं जानना चाहूंगा कितना खर्चा रहेगा, क्या रहेगा। रघुनाथ जी, आप बात कर सकते हैं उनसे। हाँ जी जी कृष्ण जी, आपने सही किया, क्योंकि नया जो भी पोली हाउस लगाना है तो उसकी जानकारी होना कि कितना खर्चा आएगा कितना नहीं आएगा। जी जी सर, ये कुछ जैसे एक एकड़, आधा एकड़, 3,000 स्क्वायर मीटर, इस तरह से इसकी यूनिट होती है। अच्छा, तो उसका एक रहता है, जैसे एक एकड़ या 4,000 वर्ग मीटर में अगर आप पोली हाउस लगाना चाहते हैं तो उसका 844 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसका खर्चा होता है। जी। और ये टोटल कॉस्ट आती है, और इसके ऊपर फिर हमको 50% या 70% अनुदान राज्य सरकार द्वारा मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कृषक श्रेणी में आते हैं। एक जैसे छोटे काश्तकार की श्रेणी में होता है, एक सामान्य किसान होता है, तो सामान्य किसान को उस लागत का 50% मिलेगा, और अगर वो सीमांत या स्मॉल लघु सीमांत श्रेणी में आता है तो उसको 70% मिलेगा। जी आशा है कृष्ण जी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। एक और दर्शक हैं इस समय जो कि बात करना चाहते हैं रघुनाथ यादव जी से। जी राम राम सा, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं आप? आपने राम उदयपुर से बोल रहा हूँ जी। पूछिए, प्रश्न पूछिए। सर हमने आम का बगीचा लगाया है जी,
करीब 500 पेड़ लगाए हमने, 7 बीघा में लगाया है, 7 बीघा में जी 500 पेड़ लगाया। अभी जो ये तूफान आया उदयपुर में राजस्थान में जी, ये तूफान से पूरा आम हमारे सारे फल गिर गए जी, फसल खराब हो गई सारी जी। और ये गवर्नमेंट अगर इस पे कोई मान लो अनुदान ये ऐसा कोई इधर उसका बीमा भी नहीं हो रहा इधर राजस्थान में उदयपुर में। क्या शुभ नाम है आपका? मोतीलाल शर्मा सुथा उदयपुर। मोतीलाल जी, ये तूफान ये आंधियां ये तो किसान के पार्ट है, किसान के जीवन का एक हिस्सा है, ये बिल्कुल होती रहती है और राजस्थान सरकार प्रयास करेगी कुछ ना कुछ, जब सबको अनुदान मिलेगा तो आपको भी उसमें जरूर हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसमें ना तो हम यहाँ बैठ के कुछ कर सकते हैं और ना किसान सिवाय मेहनत के और कुछ कर सकता है। रघुनाथ जी, आप बात कर रहे थे किस प्रकार से लोगों तक नॉलेज पहुँचे, किस प्रकार से लोगों तक जागरूकता पहुँचे, तो उस दिशा में क्या आपकी कंपनीज, जो कंपनीज पॉली हाउसेस बनाती हैं, जो कंपनीज इनकी दूसरी एसेसरीज बनाती हैं, क्या वो लोग कुछ करते हैं इस दिशा में? जी जी हाँ, राज्य सरकार ने वैसे समुचित व्यवस्था कर रखी है जी, जो भी राज्य सरकार की इस स्कीम में के थ्रू जो मैन्युफैक्चरर, जो पॉली हाउस बनाने वाले, स्ट्रक्चर बनाने वाले या जो ड्रिप इरीगेशन सप्लाई करने वाले, उनको बाकायदा अपने एग्रोनॉमिस्ट रखने पड़ते हैं, एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं, ताकि वो जो भी किसान इससे लाभान्वित होना चाहता है तो उसको समुचित ज्ञान या उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और उसी कड़ी में हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो हमने एक ऐसे हमारे प्रयास है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जिसमें क्या होता है नए पुराने हर तरह के काश्तकार उसमें रहते हैं, तो जो पुराने काश्तकार है वो अपना अनुभव साझा करते हैं, जो नया काश्तकार होता है वो अपनी बीमारी का करता है और उस पर एक्सपर्ट अपनी राय देता है। इससे क्या होता है कि चाहे पुराने नए सभी का एक ज्ञान का एक दूसरे से टच में आते हैं, डायरेक्ट ज्ञान की जानकारी बनती है और वो जैसे किसी को उस तरह की बीमारी या उस तरह की परेशानी नहीं आई तो भी उसको पता लग जाता है कि इस तरह की परेशानी आती है और इस तरह का उसका समाधान किया जाता है। दूसरा, हम समय समय पे बड़े लेवल पे ऐसे वर्कशॉप या छोटे छोटे फार्मर्स मीटिंग्स का भी आयोजन करते हैं, जिसमें किसान को उसकी भूमि तैयारी से लेके उसकी फसल लगाई से लेके फसल कटेगी तब तक क्या क्या काम करने पड़ते हैं और किस किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या परेशानी आती है और परेशानियों का समाधान कैसे किया जाता है के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, ताकि फार्मर जब फसल लगाता है तो उसको ये पता रहे कि इस तरह की बीमारियाँ या परेशानी आती है तो उसका ये समाधान होता है। तो इस तरह के आयोजन हम लोग समय समय पे हमारे किसान भाइयों के लिए करते रहते हैं। जी जी हाँ, राम राम। समय वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत अच्छी परिचर्चा चल रही है, देखते रहिए एवन टीवी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस खास कार्यक्रम राम राम समय। जी हाँ, जिन लोगों ने अपना टेलीविजन सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है या थोड़ा लेट हमसे जुड़े हैं, थोड़ी देर से हमसे जुड़े हैं, उन लोगों को बता दें कि आप भी अगर पॉली हाउस से संबंधित आपकी कोई शंका है, कोई समस्या है, तो उसके समाधान के लिए हमें 0141-451-5103 पर फोन करके सीधे हमारे आज के एक्सपर्ट से संवाद कर सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन, एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से है, वो ये है कि जिस समय आप हमें फोन करें अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें और ऐसी जगह से फोन करें जहां की नेटवर्क अच्छी तरह से आ रहा हो, जिससे कि आपकी बात हम तक ढंग से पहुंच सके और हमारे जवाब आप तक अच्छे से पहुंच सके। इसी प्रकार से एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आइए जानते हैं क्या पूछना चाहते हैं वो। जी राम राम साहब। राम राम जी। राम राम सर, मेरे आंवले के पौधे लगा रखे हैं मैंने जी। हेलो, 200-250 पौधे हैं जी, लेकिन उससे फल कम आ रहे हैं, 20-25 साल हो गए करीब, बहुत बड़े बड़े पौधे हो गए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर भवनलाल सुथार मगवास बोल रहा हूँ मैं। भवनलाल सुथार कहाँ से बोल रहे हैं? मगवास उदयपुर जिले। उदयपुर मगवास, उदयपुर से मगवास से बोल रहे हैं। रघुनाथ जी बता पाएंगे कुछ नहीं? 20-25 साल हो गए आंवले के पौधे हैं, तो ये हो सकता है क्या ये साल ही आपको ये फल कम आए हैं या हर साल ही फल कम आते हैं? भवन जी सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। इसी साल आपके फल कम आए हैं या अभी तक फल हमेशा ही कम आते रहे हैं? कम ही आ रहे हैं, कम, बिल्कुल कम आ रहे हैं। शुरू से ही कम आ रहे हैं। अच्छे आए लेकिन इस साल अच्छे नहीं आए। इस साल अच्छे नहीं आए सर, उनका है कि इस साल अच्छे नहीं आए। तो कभी कभी क्या मौसम, या जैसे एक दर्शक का पहले भी फोन आया था कि इन दिनों में उसमें फ्रूट सेटिंग होती है और फ्रूट सेटिंग होने के टाइम में अगर आंधी या इस तरह के
तूफान आते हैं तो वो फल झड़ जाता है या फूल झड़ जाता है, जिसकी वजह से वो हमको छोटे छोटे नज़र आते हैं। और अभी वैसे भी आपको उसके बहुत छोटे छोटे बोर जो है, जिसको हम फाल बोलते हैं, छोटा छोटा है, दिखाई नहीं देता है। ये गर्मी के बाद जाने के बाद में जब बारिश शुरू होगी तब पता चलेगा कि इसमें कितना फल आ रहा है। रघुनाथ जी, आपने बताया कि आपकी कंपनी जगह जगह वर्कशॉप आयोजित करती हैं, जगह जगह ट्रेनिंग कैंप्स आयोजित करती हैं, जगह जगह आपके एम्प्लॉयज जाकर लोगों को समझाते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? क्या अगर मान लीजिए एक आम आदमी, एक आम किसान आज सोचता है कि उसे पॉली हाउस लगाना है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसे क्या जानकारी होनी चाहिए? बहुत बेसिक सा सवाल है। जब भी हम संरक्षित खेती की बात करते हैं जी, तो उसमें दो पार्ट हैं। एक पॉली हाउस, जिसमें जिस हाउस के ऊपर पॉलीथीन सीट लगी रहती है उसको हम पॉली हाउस कहते हैं जी। हाँ। एक जिसके ऊपर नेट लगा रहता है उसको शेड नेट कहते हैं। ठीक है। हम राजस्थान में हैं, हमारा क्लाइमेट गर्म है, हमारा जो यहाँ का वातावरण है वो गर्म है, और हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं उस व्यवस्थाओं में ये देखते हैं कि हमको चैलेंज क्या है, हमारी समस्या क्या है उस खेती से जी। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूँ जयपुर ज़िले का, जहाँ हमको पानी की कमी है और पानी की गुणवत्ता भी कम है, या उसको कहें कमज़ोर, उसका पानी के जो क्वालिटी है अच्छी नहीं है जी। दो ये कमी होगी। तीसरा, उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी भी सैंडी लोम टाइप की है, जिसमें ना तो उसकी पानी ग्रहण करने की क्षमता है, ना रोकने की क्षमता है, ना उसमें पोषक तत्वों की अच्छी अधिकता है। ऐसे स्थिति में हमारे को पहला चैलेंज है कि पानी की कमी, क्योंकि पानी की कमी के बगैर आप खेती की परिकल्पना नहीं कर सकते जी। तो पानी होना ज़रूरी है। तो हम ऐसे स्थिति में हमको पॉली हाउस लगाना चाहिए। पॉली हाउस इसलिए लगाना चाहिए कि पॉली सीट ऊपर रहेगी और बारिश के दिनों में जो भी बारिश आएगी उस बारिश के जल को संचित कर लेंगे हम किसी एक वाटर टैंक में, और उसी से खेती करेंगे। जो दो हमारे, एक तो पानी की कमी भी दूर कर देगी और जो पानी की गुणवत्ता थी, जिसमें हम सॉल्ट की प्रॉब्लम या हाई ईसी की प्रॉब्लम से जूझते हैं, वो भी हम लोग पानी का वर्षा जल संचित करके उसकी भी समस्या को दूर कर सकते। हाँ, संरक्षित खेती में आपकी सब्जियां, आपकी जो फसल है वो भी संरक्षित है और पानी भी आप संरक्षित कर सकते हैं। पानी भी हमारा अच्छा हो गया है। तीसरा, जहाँ मिट्टी बिल्कुल ही बालू मिट्टी है, इस तरह की है, तो हम लोग काली मिट्टी का उसमें मिश्रण मिला सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, क्योंकि एक एकड़ में या 4000 स्क्वायर वर्ग मीटर में हम खेती करते हैं, तो वहाँ की मिट्टी को, ऊपर की 4-6 इंच मिट्टी को हम बदल देंगे, जिससे उसकी पानी ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा हो। तो ऐसी काली मिट्टी कहीं से खोद के या नदी तालाब उसके जो मुहाने से मिट्टी मिलती है वो ला के बदल देंगे, तो हम लोग एक नई दिशा की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ पानी ज़्यादा, पानी की व्यवस्था तो अच्छी है, जैसे हम लोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की बात करें तो वहाँ नहर का पानी मिलता है, इसकी पानी की समस्या नहीं है, ना तो कमी की समस्या होगी ना पानी की क्वालिटी की समस्या होगी। तो वहाँ हमारे को चैलेंज है कि हमारे यहाँ तेज धूप गिरती है, आंधी चलती है, उस धूप से हमको छाया बनानी है, तो वहाँ शेड नेट हाउस हमको कामयाबी देगा। तो इस तरह से कौन सी तकनीक कहाँ लगानी है वो हमारी समस्याओं को ध्यान में रख के हमको पहला चुनाव करना चाहिए। ये तो हुआ पहला चुनाव। इसी में बीच में मैं एक जानकारी लेना चाहूँगा आपसे, जैसे कि अभी बात चल रही है आंधी तूफान की, बात चल रही है आंधी तूफान, जब पेड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं तो निश्चित तौर पर पॉली हाउस को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते होंगे। कितना सक्षम है पॉली हाउस, और अगर उसमें पॉलीथीन फट जाती है या कुछ और रहता है तो उसके क्या फिर विकल्प है? सही पूछा, क्योंकि आंधी तूफान तो हमारे इस यहाँ के वातावरण के साथी हैं। हाँ। हम उनके बगैर परिकल्पना नहीं कर सकते, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमारा जो पॉली हाउस है या जो संरक्षित जो ढांचा बनता है वो ढांचा इस तरह का ही बनाया हुआ है, राज्य सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि ताकि यहाँ से 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तूफान आएगा तो वो उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। छोटा मोटा गलती कब रह जाता है, जैसे मान लीजिए पॉली हाउस खुला रह गया और उसमें हवा अंदर पा गई, तो वो क्या करता है, कहीं आपको कोई पॉलीथीन का टुकड़ा निकाल देगा, कहीं से स्प्रिंग निकल जाएगी, प्रोफाइल निकल जाएगी, तो उसको रिपेयरिंग किया जा सकता है। किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, जब ऐसा मौसम बन रहा हो जहां तूफान आने की समस्या हो रही है, लग रही, संभावना लग रही है, तो वो अपना पॉली हाउस को बंद करके रखें, अंदर हवा नहीं जाएगी तो वो उसको अंदर को कोई डैमेज नहीं होगा। जी 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 हाँ, आगे बढ़ रहे थे आप, मैंने बीच में आपको सवाल पूछा। अब पहला हमने उसका चुनाव के लिए कि हमको संरक्षित खेती में पॉली हाउस पे जाना है कि या सेड नेट हाउस पे जाना, ये चुनाव होने के बाद में फिर हम आते हैं कि हमको उसमें फसल क्या लगानी है जी।
तो फसल लगाने के लिए ज़्यादातर, क्योंकि हमारे हमने कहा कि गर्म वातावरण है तो हम लोग सब्जियों की खेती ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दो सीजन बनते हैं, एक हमारा सर्दी का सीजन और एक हमारा बारिश के सीजन के दौरान जी। तो वो दोनों सीजन के बारिश में, इसका मतलब हमको ज़्यादातर सब्जियों की ध्यान करना है। और सब्जियाँ लगाने में भी हम लोग पहली फसल जो है ना खीरा लगाते हैं। खीरा भी एक सवाल है सर, हर बार पहली फसल खीरे की ही क्यों सजेस्ट किया जाता है? इसलिए किया जाता है, खीरा एक ये पार्थिनोकार्पी फ्रूट है। इसमें क्या होता है, जैसे मनुष्य हो, जानवर हो, कीड़ा हो, पतंगा हो, उसका अपना अलग अलग संतति पैदा, अगली जननी जो प्रोजेनी पैदा करनी है, तो उसमें नर मादा की जैसे जरूरत होती है, सहभागिता होती है, ऐसे फल में भी, वनस्पति में भी नर और मादा फूल की जरूरत होती है, उनका मिलन होना जरूरत है। ये पार्थिनोकार्पी फ्रूट ऐसा होता है कि उसमें नर और मादा की जरूरत नहीं, जो मादा फूल आता है वो ही एक समय के बाद में फ्रूट में बदल जाता है और उसको परागण क्रिया करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए फार्मर को आसानी से उसको एक रास्ता मिल जाता है, वो समझ सके कि हाँ मैंने इससे खेती कर ली, मोटिवेट हो सके, उत्साह, उसका पहला जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आसानी से हो जाता है और इजी फसल है ये, इसलिए उसको खीरे की फसल की पहले सलाह दी जाती है कि आप पहला खीरा फसल करिए। फिर हम लोग बात कर रहे थे, जैसा हमारा स्ट्रक्चर का हमने तय कर लिया, तय करने के बाद में हमारी फसल की तय हो गई। अब फसल तय करने के बाद में हमको देखते हैं कि हमारी मिट्टी है उसकी हमको जुताई करनी है, अच्छे से जुताई करनी है, और उसमें गोबर की खाद या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो डालना होता है वो डालना है, क्योंकि जो भी हम इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र डालेंगे, रासायनिक खाद डालेंगे, वो पौधे को मिलेगा, कितना मिलेगा वो उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उस ऑर्गेनिक मात्रा पे डिपेंड करता है जी। और वो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हमको ऐसे गोबर की खाद इस तरह के मिलाना होता है, इसलिए हम लोग उसमें भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक खादें उसमें मिलाई जाए। मिलाने के बाद में अच्छा भुरभुरा खेत बना लें, खेत बना के उसमें हर जैसे अपने 8x4 का गाला होता है जी, एक पॉली हाउस में जो अंदर में पिलर होंगे, एक साइड में 4-4 मीटर पे चलेंगे, दूसरे मीटर एक साइड में 8-8 मीटर पे, तो 8 मीटर वाले गाले में हमको जनरली 6 बेड बनाते होते हैं, 1.5-1.5 मीटर के, तो 6 बेड आपको बनेंगे, तो 8 मीटर में 6 बेड बना देंगे। कोशिश करिएगा 6 से कम ही बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर किसान क्या करते हैं उसमें 12,000-13,000-15,000 ऐसे सीड डाल देते हैं। तो जी एक बार बीच में रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने का। जी राम राम सा। राम राम सा, राम राम साहब, मैं विकास शर्मा बोल रहा हूँ अजमेर से। जी विकास जी, स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम के माध्यम से। साहब से मेरा आज का सवाल ये है कि पोली हाउस के कितने धन की आवश्यकता है तथा सरकार की तरफ से हमें सब्सिडी क्या मुहैया कराई जाती है? पोली हाउस में करीब आप मान के चलिए करीबन 35-40 लाख रुपए धन की आवश्यकता है, और इस 35-40 लाख में आपको सरकार की तरफ से 50% अनुदान मिलता है और एक श्रेणी में 70% अनुदान मिलता है। जो किसान सामान्य श्रेणी में आता है उसको 50% है, और जो लघु और सीमांत श्रेणी में आता है उसको 70% अनुदान है जी। मतलब इसके लिए इन्हें करना क्या होगा, कहीं अप्लाई करना होगा? उद्यान विभाग के, जिले के उद्यान अधिकारी के यहाँ जाके और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, या किसी भी ई मित्र पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वो पेपर को रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ फाइल दे दें। जब भी इनका नंबर आएगा उनकी सैंक्शन हो जाएगी, सैंक्शन आने के बाद में इनको अपना जो सब्सिडी को छोड़ के, अनुदान को छोड़ के और पैसे जमा कराने होते हैं, आपको काम शुरू हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि चयन होता है, तो उसमें किसान की प्रोफाइल देखकर या उसके हिसाब से कुछ चयन होता है, क्या तरीका है, किस तरीके से इन्हें लगे कि अगर 20 लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बच्चे जो यहाँ का प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यही है, जिला उद्यान अधिकारी ये देखता है कि उनका प्रोफाइल कैसा है जी। किसान ने अभी तक उन्नत खेती के बारे में जानकारी है कि नहीं है, या प्रिमिटिव टाइप का किसान तो नहीं आ गया, क्योंकि फिर क्या होता है उसको जानकारी की कमी के कारण वो सक्सेस नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं पैसे का भी दुरुपयोग हो जाता है या सदुपयोग नहीं हो पाता, दुरुपयोग तो नहीं कहूँगा। और दूसरे जो किसान हैं जो देख रहे होते हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा का अच्छा स्रोत नहीं बन पाता है जी, बाकी तो, लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं जब एक नाकामयाब किसान को, नाकामयाब किसान को देख के 10 लोग और ज़्यादा उसके बारे में गलत जानकारी बन जाती है।
तो इसलिए वो भी उस चीज़ की तह की जानकारी करते हैं और उसके बारे में उनको ये जब ये हो जाता है कि भाई हाँ ये किसान कर सकता है तो उस किसान को वो आगे मोटिवेट करते हैं। कल्पना जी, आप तो काफ़ी समय से पॉली हाउस वगैरह के किसानों से मिल रहे हैं, लोगों को आप लोग सप्लाई करते हैं, लोगों के जाते हैं, क्या रेशो रहता है अब तक, मतलब कि किसान सक्सेस और नाकामयाब शब्द जो आपने कहा उसके बीच में? मैं इसको याद करता हूँ सर, ये 2010 से ये स्कीम हमारे यहाँ राजस्थान में थोड़ा जोर शोर से चली थी। हालांकि ये जो संरक्षित खेती का जो कॉन्सेप्ट है ये 50 साल पुराना है जी। लेकिन अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ हमको ये 2008-9-10 के आसपास में थोड़ा सा शुरुआत हुई थी। इससे पहले भारत सरकार की तरफ से राजस्थान राज्य को उचित नहीं समझा जाता था ये तकनीक के लिए जी। जब 2008-09 में कुछ प्रायोगिक तौर पे कुछ लो कॉस्ट वाले सेडनेट हाउस और पॉली हाउस लगाए गए थे और उनकी जब एक साल में की जो प्रगति जिस तरह की यहाँ के रिजल्ट देखे गए उसके बाद में भारत सरकार ने ये स्कीम राजस्थान सरकार को भी दी और राजस्थान सरकार को देने के बाद में 2012 से लोगों में इतना रुझान हुआ और शुरू में मुझे याद है कई किसानों को ऐसे भी देखा है कि जैसे आज उन्होंने खीरे की फसल लगाई, चार दिन में उसका जमा होना शुरू होता है और कमी की जानकारी की वजह से वो फसल में पानी दे देते हैं कच्ची फसल में और उससे जैसे क्या होता है कि फंगस आके और वो मर जाती है जी। किसान को मैंने रोते हुए देखा है और हमको वो बोले सर आप 2 घंटे में आ जाइए नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो रही है। हम वहाँ जाकर उनको बताते थे कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें दवा डालने की ज़रूरत है, आप बस बीज लगाने के बाद में आप उसको पानी दीजिए भरपूर और फिर अगले 10 दिन देखिए ही मत, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। 10 दिन के अंदर उसका तना सख्त हो जाता है और जो फंगस उस पर अटैक करती है वो अटैक नहीं कर पाती है और आपको किसी उपचार के या किसी दवा के बगैर ही आप अपनी अच्छी फसल कर सकते हैं जी। रघुनाथ जी, रोकना चाहूँगा एक बार, एक राम राम समय, एक बार फिर से वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए A1 TV। ब्रेक के बाद हाजिर हैं एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच में और जहाँ की चर्चा कर रहे हैं हम पॉली हाउस की, किस तरह से पॉली हाउस से हम लोग अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, हमारी गुणवत्ता को बरकरार रख सकते हैं और हमारे मुनाफे को भी लगातार बढ़ाया जा सकता है। रघुनाथ जी, कंटिन्यू कर सकते हैं आप जहां तक आप पहुंचे थे, जहां हम लोग बात कर रहे थे कि पहला पानी कब दें, जैसे 6 बेड बनाए हैं या 5 बेड बना के 8 से 10 हज़ार पौधों की संख्या रखी है एक 4,000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में और जब पानी दे दिया ये पहला पानी देने के बाद में आपको अगले 15 दिन तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, जो पानी हमने गहराई दिया था वहाँ तक जड़ें जाना चली जाएगी और पौधा कभी भी मुरझाएगा नहीं और उसकी सतह सूखी रहेगी। सतह सूखी रहने से वो फंगस का जन्म ही नहीं होगा तो हमारे पौधे को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दर्शक हैं, उन्हें भी साथ ले लेते हैं, उनका प्रश्न सुन लेते हैं, हो सकता है इसी के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हो। जी राम राम साहब। हाँ जी राम राम साहब, सुनील जी राम राम साहब। जी राम राम साहब। जी सर, मैं परमाराम जाखड़ बोल रहा हूँ, दोस्त सीकर। जी जाखड़ साहब। जी सर, एक तो मैंने सर 300 अनार के पेड़ खेत में लगा रखे हैं तो उनकी क्या नीचे दीपक लग रही है और फल भी नहीं लग रहे सर? कलम नहीं लग रही है जी सर, फल नहीं लग रहे और नीचे पेड़ों के नीचे दीमक लग रही है। अच्छा, दीमक लग रही है और फल नहीं लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, कुछ पेड़ों दीमक लग रही है, कुछ अपने आप ही निकल रहे हैं, नीचे उखड़ गए हैं। जाकर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ आपके जो अनार के पौधे हैं वो कितने साल के हो गए हैं? वो सर अभी 4 साल के हो गए हैं। 4 साल के, कभी भी फल आए नहीं या अभी या शुरुआत ही हुई है? सर फल बोले तो थोड़े से वो आते हैं, जैसे फल के पहले जो आते हैं ना वो आते हैं, फिर वो झटके वापस गिर जाते हैं। हालांकि आज का विषय थोड़ा अलग है, मैं फिर भी आपका जवाब देता हूँ। आज विषय थोड़ा अलग है पर फिर भी रघुनाथ जी अगर आपको तो पहला तो है जो दीमक की है, आप बराबर पानी रखिए रोज, आप अगर ड्रिप सिस्टम अपनाए हुए हैं और रोज पानी दीजिए, जहाँ गीला होता है वहाँ दीमक नहीं आती, पहला चीज। अगर फिर भी आ रही है तो एक क्लोरपायरीफोस करके दवा आती है, उसका आप उचित मात्रा में इसके साथ पानी में चलाइए, वो उससे दीमक का इलाज हो जाएगा। दूसरा, जो फलन की बात कर रहे हैं जी, अनार एक ऐसी खेती है सर, इसका ट्रेनिंग प्रूनिंग और इसका जो पौधे का मैनेजमेंट है उसी से इसमें फलन होता है। हमको ये तय करना है कि हम इसको फल कब लेना है जी। अनार में साल भर उसमें फूल आते रहेंगे, फलन होता रहेगा, लेकिन सही समय क्या है वो हमारे मौसम के ऊपर निर्भर करता है और जनरली राजस्थान में
हम मई के महीने में इसमें फ्रूट सेटिंग कराते हैं और जून में इसको शुरू करते हैं। तो मई और जून जो महीना क्रूशियल है, आप उसमें से चुनिए, क्योंकि जब हम फलन कराते होते हैं तो पहले हम लोग एक महीना उसमें पानी रोकते हैं। पानी रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जैसे आज से ही पानी बंद कर दिया, जैसे रोज उसमें ड्रिप की सहायता से आप जैसे एक घंटा पानी चलाते हो तो 5-5 या 7-7 मिनट कम करते करते 20वें 25वें दिन पे इस तरह आ जाइए कि आप 25-20 मिनट पानी चलाया, तो इससे क्या होगा, पानी सिर्फ वो शाखा शाखा में रहेगी, पत्तियां गिर जाएंगी, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस देना पौधे को। और कभी कभार क्या होता है कि पानी पत्तियां फिर भी नहीं गिरती है, तो कुछ केमिकल आता है इथरल टाइप के, उनसे हमको स्प्रे करके उसकी पत्तियां गिराते हैं, इसको जिससे उसको रेस्ट दिया जाता है पौधे को। रेस्ट देने के बाद में 10 दिन बाद में उसमें गोबर की खाद ये डाल के और एक बार पूरा पानी वैसे ही चलाते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल इरिगेशन करते थे। जैसे ही आप पूरा पानी चलाएंगे उसमें फुटारा होगा, नई पत्तियां आएंगी, नई कलमें बनेंगी, उन्हीं में से फूल बनेंगे। वो फूलों को आप रखिए, जैसे आपकी पौधे की उम्र 4 साल है तो उस 4 साल के हिसाब से आप देखिए कि उसमें आपको 20 फ्रूट रखने हैं, 40 रखने हैं, पौधे की साइज के हिसाब से आप रखिए कि भाई 40 फलों को साध सकता है या 20 को रख सकता है, और फिर आप लगातार पानी और उसकी व्यवस्था करते जाइए। आप जैसे जून में इस तरह की प्रक्रिया करेंगे तो पहले 3 महीने आपका जैसे मानसून शुरू हो जाएगा तो सितंबर तक तो उसमें मौसम में नमी रहेगी, और उसके बाद में धीरे धीरे हमारा मौसम का तापमान कम होने लगता है तो आपको फ्रूट फटने की या पानी कमी होने की दोनों की समस्या से निजात मिल जाएगी। जी रघुनाथ जी, एक जगह है जिसे मिनी इसराइल के नाम से कहा जाता है, क्योंकि आपने बताया कि किसान जागरूक नहीं है और किसान थोड़ा धीरे मतलब समझ रहा है, उसको पूरी नॉलेज नहीं है इस बारे में, इसलिए वो नाकामयाब होते हैं। एक जगह है जिसे मिनी इसराइल कहते हैं, क्या कारण है कि वो गांव तो मिनी इसराइल बन गया और आगे भी तरक्की करता जा रहा है और बाकी के जो गाँव हैं वो चाहते ही नहीं इस तरफ आना या पहुँच नहीं पा रहे पॉली हाउसेस की तरफ? बहुत अच्छा सवाल सुनील जी। एक जिज्ञासा एक चीज़ होती है, जिज्ञासा। कुछ किसान जब शुरू में, मैं जानता हूँ जैसे खेमाराम जी का एक नाम आपने सुना होगा, एक कानाराम जी धैया का नाम सुना होगा, राम नारायण जी का नाम सुना होगा, ऐसे मतलब एक पूरी फहरिस्त है जो कामयाब किसान ऐसे लोगों की। वो लोग क्या किए, जब जो कहते हैं जुनून चढ़ जाता है किसी को तो वो कामयाबी कर देते हैं किसी चीज़ को। अब एक बार कामयाब हो गया और उन्होंने उस सफलता का स्वाद चख लिया तो बाकी जो उसके फेलो साथी हैं, उसके आसपास के जो उनके पड़ोसी किसान हैं, वो भी उस तकनीक को अपना के और रात दिन उसमें लग गए। जब उनको ये लग गया कि भाई इस किसानी में तो बहुत अच्छी पैदावार हो रही है, और वो लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया और बैंकों की सहायता से, एक्सपर्टों की सहायता से और राजधानी के नज़दीक होने की का भी उन्होंने भरपूर फायदा लिया। चाहे वो राज्य सरकार के मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हों या बड़े अधिकारी हों, उन्होंने बार बार जाके उन किसानों का हौसला बढ़ाया है और उनको उस तकनीक के बारे में पूरी सहायता प्रदान की, जिससे आज वो मिनी इसराइल के नाम से जैसे आपने फरमाया जाना जाता है। जी जी। और इसी प्रकार बाकी के जो गांव हैं, बाकी के जहां हैं, वहां जब पॉली हाउस लगाते हैं तो अभी भी लोग एक दूसरे को थोड़ा सा डिमोटिवेट करते हुए नजर आते हैं कि नहीं इसमें ज़्यादा खर्चा है, इसमें दिक्कत आएगी, इसमें परेशानी आएगी, तो इतना सब होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मानता हूँ समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की शायद एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए भी सबसे बड़ी बात है। दो तरह के, एक पॉजिटिव सोच की बात है, एक नेगेटिव सोच की। अगर मुझे कोई चीज़ देखनी है तो मैं अगर उन तथ्यों पर जाके काम करूँगा तो मुझे एक सफलता हासिल हो जाएगी। अगर मैं तथ्यों पर बात नहीं करके मैं सिर्फ वो कही सुनी बातों पर ध्यान करूँगा, वो अलग हमको दिशा दे देता है। तो मैं कहता हूँ कोई भी अगर इस तरह की तकनीक या इन्वेस्टमेंट या इस तरह का जो लागत लगाता है तो उसके बारे में पूरी पुख्ता जानकारी लेनी चाहिए। जो लोग कामयाबी से इसको कर रहे हैं उनसे बातचीत करना चाहिए और जानकारी भी विशेषज्ञ से लेनी चाहिए, हर किसी से नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी कुछ भी राय दे सकता है। इसी बीच एक और दर्शक हैं जो कि इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हेलो जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ राम राम सर। राम राम। राम राम सर। मैं ये पूछना चाहता था सर। जी मैं मनोज कौशिक बोल रहा हूँ सर। जी मनोज जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। ये पॉली हाउस के बारे में पूछ रहा था कि खारे पानी में भी जैसे लगा सकते हैं क्या? जी हाँ, अक्सर हमारे हर कार्यक्रम में खारे पानी से संबंधित एक प्रश्न जरूर होता है रघुनाथ जी। मैं कौशिक साहब, आपकी कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बारे में जान सकता हूँ?
मैं नागौर जिले के नावा तहसील में, सर गांव है मेरा छोटा सा मुंड बसाई। नावा तहसील में मुंड बसाई गांव है। दो चीजें हैं, जैसे हमने हमारे शुरुआती इस संवाद में ये बात की कि पानी तो ये खेती की मुख्य जरूरत है, इसके बगैर हम इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। पानी भी अच्छा चाहिए, तो हमको पानी की, अगर खारा पानी है तो उसकी अच्छा पानी जरूरी है, और उसकी व्यवस्था इस तरह से कर की जा सकती है कि हमारे को बारिश का पानी जो गिरता है उसको संचित करके और हम खेती कर सकते हैं। नागौर जिले का अगर ये कुचामन के आसपास के हैं तो मुझे याद आता कि यहाँ का औसतन जो रेनफॉल पैटर्न है वो करीब करीब 450 mm मिलीमीटर में इसको हम लोग मापते हैं बारिश को। इसको इस तरह से गणित किया जा सकता है, एक वर्ग मीटर में 1 मिलीमीटर बारिश अगर हम लोग बोलते हैं इसका मतलब वो 1 लीटर आयतन के बराबर होता है। और अगर मैं 4000 स्क्वायर मीटर या 4000 वर्ग मीटर में बात करूं 1 मिलीमीटर की, तो 4000 लीटर हो गया जी। 100 मिलीमीटर को अगर हम बात करते तो 4 लाख लीटर हो गया, और 400 अगर मिलीमीटर की बात करते तो 16 लाख लीटर पानी हो गया। आपको जब पॉली हाउस की खेती करते हैं या नेट हाउस की खेती करते हैं तो एक फसल में करीबन 8 से 10 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है। तो अगर मान लीजिए खारा पानी ज़्यादा ही है और हम लोग उसमें अगर चौथाई हिस्सा भी मान लीजिए 4 लाख लीटर 5 लाख लीटर भी पानी मिला लिए और उसकी पानी की हम लोग इसी को कंट्रोल कर लिए तो हम लोग 2 फसल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर पानी बिल्कुल ही बेकार है, हम नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग वो पानी वर्षा जल को संचित करके कम से कम 1 फसल आराम से ले सकते हैं जी। और किसान आप देखे होंगे कहीं भी, आप अगर जो प्रगतिशील किसान है या जो सक्सेसफुल किसान है उनको देखेंगे ना, 8 से 10 लाख का मुनाफा 1 फसल में निकाल लेता है, जिसमें उसको 2-2.5 लाख रुपया आप मान के चलिए खर्चा हो जाता, तो करीब 5-6 लाख रुपया आराम से कमा लेता जी। हाँ, अगर कुछ नहीं ऐसे, हो रहा उससे तो अच्छा है कि आप संरक्षण, जैसे कौशिक साहब नावा तहसील से हैं, दूसरी फसल हो नहीं सकती है। अगर इनको बारानी की फसल करते हैं, बारानी की फसल अगर 100 बीघे में भी खेती करेंगे तो 5 लाख रुपए की इनकम नहीं आएगी, मैं दावे से करता हूं। बिल्कुल सही। अगर वो 1 एकड़ में खेती अपना के अगर 5 लाख की कमा सकते हैं तो मैं तो कहता हूं एक ही फसल कर लो, दूसरी मत करो जी। हाँ, एक और दर्शक है इस समय जो कि आपसे बात करना चाहते हैं जी। राम राम साह। राम राम सर जी। राम राम सर जी, हमारे खेत में पोली हाउस लगेड़ो है, बी का मन में खीरा की खेती करना चाहूँ तो बिन क्या करूँ? कटाऊ बोल रहे हो आप? दातारामगढ़ से। दातारामगढ़ से बोल रहे हैं, पॉली हाउस लगा लिया है, खीरे की खेती करना चाहते हैं, आप उसी के बारे में कुछ बता रहे थे, आप इतने थोड़ी सी सावधानी। खीरे की आपका शुभ नाम जान सकते हैं? शायद फोन संबंध विच्छेद हो गया, फोन कट चुका है। आप खीरे की खेती शुरू करने से, जैसे आपने पॉली हाउस लगा लिया है तो पहला ये देखिए कि पानी की समुचित व्यवस्था है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये 2 महीना छोड़ दीजिए, क्योंकि मई जून का समय बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट का होता है और सामान्य किसान उस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि पोली हाउस में कितनी आर्द्रता होनी चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आप जुलाई का महीने में आप उसमें खीरे की फसल को लगाइए, ताकि जो वातावरण में आर्द्रता और जो पानी जो आपका तापमान है वो भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाता है, आप एक सक्सेसफुल खेती कर सकते हैं जी। एक और दर्शक है सर इस समय जो कि आपसे रूबरू होना चाहते हैं अपनी समस्या अपने सवाल के साथ जी। राम राम साह। हेलो, राम राम साह जी। राम राम साह, सर मेरा सवाल ये है। हेलो जी, पूछिए, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को? सुन पा रहे हो? तो पानी के मैंने जांच कराई, 7.5 तो पीएच मान है जी, और 5.7 ईसी है जी। तो इस माप पे हम ये पॉली हाउस में सब्जी की खेती कर सकते हैं क्या? रघुनाथ जी, कहाँ से फरमा रहे हैं साहब आप? मेड़ता सिटी के पास गांव है, आके लिए। कहाँ? मेड़ता सिटी के पास गांव है जी। ये जो 5.2 ईसी और 7.2 तो पीएच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईसी है वो बहुत ज्यादा है जी। जनरली हम लोग 1 ईसी से कम पानी होना चाहिए तो वो उसके लिए उपयुक्त माना जाता है जी। तो आपके लिए यही सलाह है कि आप भी एक वर्षा जल संचित करने का स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें पानी को संचित करके उसी वर्षा जल संचित से पानी से ही खेती करेंगे तो आप अच्छे से खेती कर पाएंगे। जो उपलब्ध आपके पास में रिसोर्स है, जो स्रोत है पानी का, उससे ये उपयुक्त नहीं है।
रघुनाथ जी, हमारे कार्यक्रम में समय बहुत कम बचा हुआ है। मैं चाहूँगा बहुत जल्दी जल्दी आप इसकी सावधानियों की टिप्स बता दें जिससे कि हमारे किसान समझ सके किस प्रकार से पॉली हाउस में सावधानी रखनी चाहिए। जी, इसको अपन कंटिन्यू करते हुए, जैसे खीरे की ही हम बात कर लेते हैं, ज़्यादातर किसान खीरा ही करते जी हैं। जी हाँ जी हाँ। जैसे 35-40 दिन में उसमें फलन शुरू हो जाता है। फलन शुरू होने के साथ साथ में क्या होगा, उसमें साइड ब्रांच भी निकलते हैं, तो किसान को क्या है, उसको पेड़ को धागे के साथ में ऊपर चढ़ाना है, साथ साथ में साइड में जो आने वाली ब्रांचेज हैं उनको काटना है। कटाई करने के दौरान ये ध्यान रखें कि एक कैंची से एक ही पौधे की कटाई करें, दूसरे पौधे पे जाए हैं तो साथ में आप फंगस का कुछ घोल बना लें, फंजीसाइड का, और उसमें जो भी कैंची आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको रखिए, ताकि एक पौधे में जो अगर बीमारी आई हुई है तो दूसरे में इन्फेक्शन ना जाए जी। और जब फलन होता है तो हम लोग, बहुत सारे किसान भाई उसको गलती कर देते हैं कि तुड़ाई करने में 2 दिन में 3 दिन में करेंगे, तो कई कई फल क्या होता है, ओवर राइपन हो जाते हैं। एक तो उसका रेट अच्छा नहीं मिलता है, दूसरा जब तक वो पहले वाला फल अगर टूटेगा नहीं समय से तो आने वाले छोटे फल को लगने नहीं देता है, उसको उस पौधे पे बन पनप नहीं पाता है, तो वो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं हमारी आने वाली दूसरी जो उपज है उस पर इम्पेक्ट डालते हैं। तो समय पे तुड़ाई करिए, और खास तौर पर ये रखिए कि जैसे मिट्टी और पानी की जाँच के हिसाब से ही आप पौधे में उर्वरकीकरण करें जी। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो पानी देता है, किसान सब कुछ बना लेता है लेकिन जो सिंचाई का सिस्टम जो अपनाता है उसमें कहीं ना कहीं उसकी जानकारी नहीं रहती है। मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम जब कह रहे हैं संरक्षित खेती है जी, इसमें ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करें जिसमें हम ड्रिप के माध्यम से पानी देते हैं जी। एक ऐसा उत्पाद आता है जिससे क्या होता है कि जब आप पौधे को जब आप पंप चलाएंगे, एक सर्टेन प्रेशर डेवलप होगा सिस्टम में, तो एक साथ सारे ड्रिप परे में एक साथ खुलेंगे, और जब आप बंद करेंगे सर्टेन प्रेशर ड्रॉप होगा, ऑटोमेटिकली सारे ड्रिप परे एक साथ ही बंद हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि जो आपका जो स्लोप है या ढलान बनाया है आपने पॉली हाउस में, उसमें पानी जो सिस्टम में भरा हुआ है पूरे लीकेज नहीं करेगा, तो एक तो पौधों में जो रोटिंग की बीमारी आती है वो नहीं आएगी और पौधे स्वस्थ खड़े रहेंगे। और स्लो डिस्चार्ज की ड्रिप लाइन यूज करें जी। हाँ, जैसे जनरली समय बहुत कम है, एक दर्शक हैं जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मजबूरी है उनसे बात करना हमारा जी। राम राम साहब। हाँ जी, राम राम साहब जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? संजय चौहान बोल रहे हैं, जयपुर से। जी संजय जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ पॉली हाउस के लिए कौन सी कंपनी अच्छी होती है और कौन सी बुरी होती है? देखिए, सारी कंपनियां अच्छी है। आप रघुनाथ जी, प्रश्न तो यही है असल में, आप इस चीज का चुनाव करिए कि आपको सही तकनीकी जानकारी कौन दे रहा है जी। हाँ। इस पे ही सारा दारोमदार है, क्योंकि वही आपका साथी बनने वाला है जी। इसके आपकी सफलता में, अगर आपका साथी अगर वो उसको ज्ञान नहीं है तो आपको सफलता के उस मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो आप जब भी चुनाव करें तो आप उसका ज्ञान का पता लगाएं, और ज्ञान का पता तभी लगेगा जब आप 2 लोगों से 4 लोगों से 5 लोगों से, जैसे राज्य सरकार द्वारा संचालित IHITC है जहाँ पूरा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, उन लोग एक्सपर्ट के साथ आप मिलिए, पता लगेगा, आप फिर उसके बाद में अपना उचित निर्णय करें। रघुनाथ जी, क्षमा चाहेंगे, समय की हमारी सीमा है, आपसे बहुत सारी और बहुत सारी बातें करनी थी, आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हमारे दर्शकों के लगातार आ रहे हैं, परंतु क्योंकि मैंने बताया कि समय की सीमा है, और उस समय जिस समय हमारे पास समय कम पड़ जाता है और प्रश्न लगातार बढ़ते रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम अपनी इस आधुनिक चौपाल की मुहिम में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन जो हमें लगातार फ़ोन करते हैं, हमें फ़ोन करके आशीर्वाद देते हैं, अपनी हमें ऊर्जा देते हैं इस कार्यक्रम को और नए नए आयाम देने के और नए नए रूप देने के। और आपसे वादा करते हैं कि अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट्स के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।